आप देख रहे जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। राजस्थान विधानसभा चुनाव को 4 दिन शेष बचे हैं। लगातार सभी राजनीतिक दल सत्ता में आने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बता दें किसी भी सूबे की जाने मानी पार्टियां अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रही है। बीजेपी ने तो अपना चुनावी घोषणा पत्र पहले ही जारी कर दिया था। अब राजस्थान में कांग्रेस ने वोटिंग से 4 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि इस जन घोषणा पत्र 2 नाम दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस ने चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा कर दिया है। इसके साथ ही बता दें कि युवाओं के लिए 10 लाख नई नौकरी सृजित करने की भी बात कही गई है। इनमें 4 लाख नई सरकारी नौकरियां बताई जा रही है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का कानून बनाने और किसानों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा किया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही गांव के व्यापारियों को 5 लाख बिना ब्याज कर्ज देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने इसके साथ ही राज्य में विधान परिषद बनाने का वादा भी किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो 7 गारंटी योजना दी थी उसमें आगे चलकर बीपीएल और उज्ज्वलता गैस कनेक्शन वाले परिवारों को 400 रुपए में सिलेंडर देने का वादा भी किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि वे नफरती भाषण देने वाले व्यक्तियों दंडित करने के लिए कड़े कानून को भी लागू करेगी। बता दें कि राज्य में 199 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा। कौन सत्ता में आएगा, किसका राज होगा, यह तो जनता ही तय करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।